केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान आंदोलनकारी लगातार सड़कों पर बैठे हैं। सड़कों को ही अपना घर बना है। किसानों को आंदोलन करते हुए आज 28 दिन हो गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ की सीमाओं को बंद किया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के टीक रिपोर्टर पर, जहां मैं आपको एक तरफ का नजारा दिखाता हूं। भारी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में रोजाना किसान यहां पर आते हैं। महिला किसानों की संख्या भी रोजाना लगातार बढ़ती ही जा रही है। 15 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रेलियों की लाइनें यहां पर लगी हुई हैं और सड़कें पूरी तरह से जाम है। वहीं अगर दूसरी तरफ का नजारा मैं आपको दिखाऊँ तो अनशनकारी यहाँ पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और लगातार रोजाना 11 किसान यहाँ पर हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं। 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल यहाँ पर की जाती है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार को मैसेज दिया जा सके कि वे भूखे भी रह सकते हैं लेकिन अपनी मांगों से हटने वाले नहीं है। लगातार किसान यहाँ पर अनशन करते हैं। कल महिला किसान यहाँ पर अनशन करेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त कुछ किसान नेता हैं तो इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लगातार आंदोलन को तेज किया जा रहा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार से बातचीत और प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। देखियो, पिछले 3 दिनों से हमारे किसान साथी भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार की अधर्मिता के खिलाफ कल से हम महिलाओं का अनशन भी शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ताकि सरकार को ये बात समझ में आए कि अब अपनी अधर्मिता छोड़ करके किसानों की बात को सुना जाए। और कल से ही पूरे देश के अंदर टोल टैक्स फ्री करे जाएंगे और 27 तारीख को मोदी जी की मन की बात के विरोध में एक शांतिपूर्ण तरीके से थाली और ताली बजा करके एक विरोध किसान जताएंगे ताकि मोदी जी अपनी अधर्मिता को छोड़ करके किसानों की बात को सुने। समाधान तो बातचीत से ही निकलना है, सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, किसान जाने से मना कर रहे हैं। देखिए, सरकार की नीति और नियत में खोट है। बातचीत के लिए नहीं बुला रही सरकार, केवल अखबार और मीडिया, बड़ी मीडिया के माध्यम से ये कह रही है कि किसान अधर्मिता कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो प्रपोजल है उसके अंदर एक बिंदु भी बातचीत करने लायक नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तो एक बिंदु भी नहीं लिखा है और जो मुख्य जो बिंदु है एमएसपी के ऊपर कानून बनाने की बात नहीं की है। इसलिए हमने स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसानों की केवल एक ही मांग है, इनको वापस करना और जो है एमएसपी के ऊपर कानून बनाना। बिल्कुल, तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले एमएसपी की मांग की गई थी लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। लगातार किसान भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार से बातचीत का प्रस्ताव अब ठुकरा दिया गया है। जो सरकार ने किसानों के पाले फेरी थी, अब किसानों ने वो सरकार के पाले में दोबारा से फेंक दी है और मांग यही की जा रही है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।